हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चैनल क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ का मैथ। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टू क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया था प्रॉब्लम सेट 45 का, स्टैंडर्ड फिफ्थ महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक का। बहुत ही सिंपल है, क्या दिया हुआ 9th क्वेश्चन। इफ अ शॉप इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM टू 10 PM, हाउ लॉन्ग इज इट ओपन। इसे अगर कोई भी शॉप मॉर्निंग में 9:30 पे ओपन हो रही है और क्लोज कितने बजे पे हो रही है, 10:00 PM पे, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज इट ओपन, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, शॉप ओपन एट कितने बजे हो रही है, 9:30 AM। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 24, ये 12 आवर्स का टाइम दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे 24 आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 24 आवर्स में क्या आ जाएगा, ये सिर्फ 9:30 रह जाएगा। क्या आ जाएगा, 9:30, ठीक है। शॉप क्लोज कितने बजे क्लोज हो रही है, 10 PM। तो 10 PM क्या है, 12 आवर्स का टाइम फॉर्मेट है, तो उसको हम लोग 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 10 में 12 ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 22। और यहाँ पे क्या है, AM और PM आएगा क्या, नहीं कुछ भी नहीं आएगा। आया समझ में इतना। पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम को कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंस पता करना है। तो जब डिफरेंस पता करना रहेगा, तो क्योंकि हमें पता करना ना कितने बजे तक शॉप ओपन थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, एक आवर्स का और एक मिनट्स का। क्या दिया है, तो ग्रेटर है टाइम कितना, 22 माइनस कितना, 9:30। कितने बजे शॉप ओपन हो रही है, तो उतना टाइम में से हम लोग उसको माइनस कर लेंगे, तो हमें शॉप का टाइमिंग पता चल जाएगा कि कितने टाइम तक शॉप ओपन थी। आया समझ में। अभी 10 PM हो रहा है ना, तो 10 PM तो उसको आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो कि 22 कैसे आएगा। तो 12 o'clock के बाद आप काउंट कर लो 10 AM तक, तो 12 o'clock के बाद कितना हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10। अब 12 के बाद 24 आवर्स के टाइम में काउंट करो, तो 12 के बाद आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे आ गया 22 हमारा। अब हम लोग माइनस कर लेंगे। अभी देखो, जीरो में से जीरो चला जाएगा, लेकिन जीरो में से थ्री नहीं जाएगा, तो इससे हेल्प ले लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 22 है ना। तो एक इसमें अगर हम लोग दे देंगे, तो क्या करेंगे, कन्वर्ट 1 hour इंटू कितने में, 60 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा जीरो, है कि नहीं। तो ये 22 था, तो ये 21 हो गया, क्योंकि 1 hour हम लोग इसमें कन्वर्ट कर लिए 60 मिनट में। अब माइनस कर दो, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, सिक्स में से थ्री जाएगा थ्री, है कि नहीं। अब यहाँ पर आ गया 21, तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो इससे हेल्प ले लेगा, कितना आ जाएगा ये, 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 में से 9 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। जिसको अगर जिसे सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो तो कैसे करेंगे, जिनको अगर एकदम बेसिक अगर प्रॉब्लम हो, तो जैसे यहाँ पे 11 हो गया ना कैरी करने के बाद, तो आप 11 ड्रॉ कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमें माइनस कितना करना है, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये छोटे बच्चों को सिखाया जाता था, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो कितना रिमेनिंग हो गया, 1, 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। आए समझ में। एक कैरी दे दिया था, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 1, तो 1 तो ऐसे ही आ जाएगा। तो शॉप कितने आवर्स तक ओपन थी, 12 hours 30 minutes। आए समझ में। एक बार रीचेक कर लो आप, 9:30 पे शॉप ओपन हुआ है, तो 9:30 को 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ए पीएम हट जाता है। फिर 10 PM पे शॉप क्लोज हो रहा है, तो 10 PM को 24 आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22, है कि नहीं।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, 22 में से 930 को माइनस कर देंगे, तो अभी जीरो में से जीरो नहीं जाएगा, तो इससे हेल्प लेगा तो 22 है, कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इससे 60 हो गया, 60 में से 30 जाएगा तो 30, अभी 21 में से 9 नहीं जाएगा तो हेल्प लेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, है कि नहीं, और 1 बचा तो 1। आंसर क्या लिख देंगे, हाउ लॉन्ग इज ओपन, 12 आवर्स, देयर फॉर शॉप ओपन 12 आवर्स 30 मिनट्स लॉन्ग, शॉप ओपन 12 आवर्स 30 मिनट्स लॉन्ग, आया समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली हाउ लॉन्ग को हटा के डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, और 12 आवर्स थर्टी मिनट शॉप ओपन, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे, आया समझ में। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 10। 10 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, दिमाग लगा। क्या दिया हुआ, इफ द महाराष्ट्र एक्सप्रेस लीविंग फ्रॉम कोल्हापुर एट 15:30, कितने बजे, 15:30 पे अराइव एट गोदिया द नेक्स्ट डे एट 20:15 पे। अभी यहाँ पे देखो दो टू डेज की जर्नी दिखा रहा है, यहाँ पे गोदिया कितने बजे पहुंच रही है, 20:15 पे, मतलब 20:15 पे। और फर्स्ट डे जो ट्रेन स्टार्ट कितने बजे हो रही है, महाराष्ट्र डे जो ट्रेन है हमारे 15:30 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फर्स्ट डे का काउंट कर लेंगे, तो डे वन, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, डे वन। अभी यहाँ पे देखो ट्रेन स्टार्ट कितने बजे हो रही है, 15:30 पे, तो हमें पता करना है कि डे वन में ट्रेन ने कितना टाइम तक ट्रेवल किया, डे वन का, तो पहले डे वन का, तो वन डे में कितना होता है, वन डे इज इक्वल टू कितना आता है, 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में से अगर हम लोग टाइम स्टार्ट माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया है, तो दो कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, आवर्स और मिनट्स, ट्वेंटी फोर आवर्स टोटल टाइमिंग है, और ट्रेन स्टार्ट बजे कितने बजे हुई थी, 15:30 पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो जीरो में से जीरो चला जाएगा, लेकिन जीरो में से थ्री नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 24 है तो 23 हो जाएगा, ये 60, ये 60 के लिए सेंटेंस लिखना पड़ता है, कन्वर्ट 1 आवर इंटू 1 आवर इज इक्वल टू कितना आता है, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिए, ये 0 0 हो गया, अभी 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, है कि नहीं सिंपल। अभी 3 में से 5 तो नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 में से 5 नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये 24 था, 1 कैरी दे दिया इसको, ये 23 हो गया, अभी 3 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे हेल्प ले लेगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना बच गया, 1, अभी 1 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, तो डे 1 में कितना टाइम तक ट्रेवल कर रही है ट्रेन, 8 आवर्स 30 मिनट, ठीक है। अब डे सेकेंड का, डे फर्स्ट हो गया ये हमारा, अब डे सेकेंड, डे सेकेंड का टाइमिंग हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, कितना देखो, इफ महाराष्ट्र एक्सप्रेस लीविंग फ्रॉम कोल्हापुर एट 15:30, 15:30 पे ट्रेन निकल रही थी, है कि नहीं, अराइव्स एट गोदिया द नेक्स्ट डे एट 20:15, तो जैसे ही 20 नाइट हुआ हमारा 12 o'clock, तो उसके बाद 1 2 3, तो अभी कैसा 24 आवर्स के टाइम में ऑलरेडी हमें टाइम दिया हुआ, तो क्या करना, हमें डायरेक्ट एज इट इज पूरा हमें टाइम मिल गया कि कितने आवर्स तक ट्रेन ने ट्रेवल किया है, तो कितने आवर्स तक नेक्स्ट डे सेकेंड डे की जो जर्नी थी वो कितने आवर्स की ट्रेवल हुई है, 20 आवर्स 15 मिनट, तो उसको लिख लेंगे हम लोग कितने, 20 आवर्स 15, ठीक है, मिनट्स तक उसने ट्रेवल किया। अब हम लोग क्या करेंगे,
दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि उसने पूछा है ना हाउ लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया, कितनी लंबी थी जर्नी, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी दो कॉलम ड्रॉ कर लेंगे, आवर्स का और मिनट्स का। ठीक है, अभी डे वन का ले लेंगे, यहाँ पे मैं पीछे लिख दे रहा हूँ डे वन, और यहाँ पे डे टू, ये रोमन नंबर है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन योर टू। ठीक है, आ रहा समझ में, ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है तो सिंपली मैं लिख देता हूँ डे वन डे टू। अभी डे वन में कितना ट्रेवल किया था टाइमिंग, 8 आवर्स 30 मिनट, तो लिख लो 8 आवर्स 30 मिनट, और सेकेंड डे में 20 आवर्स 15 मिनट ऐड कर दो अभी, तो 0 प्लस 5 5 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, इसको ऐड कर दो 8 और 8 2, तो कितना हो गया 28 आवर्स 45 मिनट्स। तो टोटल जर्नी टाइम कितना लग गया कोल्हापुर से गोंदिया जाने के लिए, हाउ लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया, 28 आवर्स 45 मिनट लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया, आंसर लिख सकते हो आप यहाँ से। देयर फोर हाउ लॉन्ग, तो 28 आवर्स 45 मिनट्स लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सारे स्कूल में या फिर अलग अलग जो हमारे कहीं पर अगर हम लोग ट्यूशन लेते हैं या फिर कहीं पर भी, तो उनका एक्सप्लेन करने का रूल अलग रहता है लेकिन आंसर सेम ही आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अगर हम लोग 8 आवर्स 15 मिनट है जिसे और करके मैं बता दे रहा हूँ, तो बहुत से लोग क्या करेंगे 8 आवर्स 15 मिनट हो गया, तो 8 आवर्स 30 मिनट डे वन का हो गया हमारा, और उसी तरह डे टू का, तो उसमें क्या करेंगे वो ऐड कर देंगे इस तरह से। बहुत से लोग ऐसे भी ऐड कर देंगे, तो कैसे 0 0 ये 5 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, ये मिनट्स वैसे हो जाएगा, फिर ये 0 क्योंकि 0 प्लस 8 तो 8 हो जाएगा, और ये 2। बहुत से लोग ऐसे भी ऐड करते हैं लेकिन ये हमें समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली, और फिर टीचर मार्क्स किसका देंगे, एक लाइन के लिए तो मार्क्स देंगे नहीं, क्योंकि ये तो कम से कम 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा टीचर को कि हमने डे वन में कैसे टाइम को कैलकुलेट किया, डे टू में कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि डे टू में ऑलरेडी दिया था, फिर दोनों का टाइम कैसे हम लोग ने ऐड किया, तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब जाके फिर टीचर हमें पूरा का पूरा फुल मार्क्स दें। अगर एक लाइन में आंसर देंगे तो टीचर भी सिर्फ एक ही मार्क्स देगी, अगर ये 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहा तो, है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, प्रॉब्लम सेट 45 यहीं पे कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पे किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना, उसके साथ साथ में अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताना, और जितने भी फ्रेंड्स को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।